हेलो फ्रेंड्स, DR.RKTalks के 29वें एपिसोड में आपका स्वागत है। जैसा कि आपको पता है कि इस जहरीले कीड़े जो आदमी को खा रहे हैं, उसी सीरीज में आज हम मधुमक्खी के बारे में चर्चा करेंगे। मधुमक्खी के बारे में जानेंगे कि मधुमक्खी कितनी जहरीली है और डंक से आदमी को कितना नुकसान पहुंच सकता है। सबसे पहले मधुमक्खी को जानने के लिए अपन जानते हैं मधुमक्खी के बारे में, मधुमक्खी क्या है, फिर उसके डंक के बारे में जानेंगे। मधुमक्खी एक सामाजिक और उड़ने वाला इंसेक्ट है या उनसे उड़ने वाला कीड़ा है। पूरे विश्व में 2000 प्रजाति की मक्खियां पाई जाती हैं, उनमें से शहद बनाने वाली केवल 15 तरह की ही मक्खियाँ हैं, जिनको अपन हनी बी कहते हैं या मधुमक्खी कहते हैं। तो मधुमक्खी है, इनमें से कुछ पालतू भी हैं और कुछ जंगली हैं। तो दो तरह की मधुमक्खी ऐसी हैं जिनको पालतू बनाया गया है और बाकी वाइल्ड हैं, जो जंगली एरिया में पाई जाती हैं, जो खुद ही अपना छत्ता बनाती हैं और खुद ही रहती हैं। तो जो मनुष्य के लिए जो पालतू मक्खी है वो बहुत यूजफुल हो गई हैं। तो इसमें से दो तरह की प्रजाति ऐसी हैं जो पालतू हैं, जिनको पाला जा सकता है या जो टेम्ड हैं। सबसे पहले है एपिस मेलीफेरा, जिसको अपन अमेरिकन मक्खी कहते हैं या ब्रिटिश मक्खी कहते हैं, जो आजकल सब जगह जो बॉक्स लगे हुए हैं सरसों के खेतों में और जहाँ फूल हैं वहाँ पे लगे हुए हैं, वो एक तरह की वेस्टर्न मक्खी है या अमेरिकन मक्खी है। उसको लोग पाल रहे हैं और उससे शहद बना रहे हैं और बैग्स ले रहे हैं, तो वो मेलीफेरा है। दूसरी तरह की है एपिस कैरेना, वो ज़्यादातर जापान में पाली जा रही है। और ऐसे करके दो वो हैं जो यूज़फुल है आदमी के लिए, जो पालतू बनाई जा सकती हैं। बाकी वाइल्ड हैं, उनको पाला नहीं जा सकता है या उनका शहद का उत्पादन बहुत कम होता है। जो पालतू मधुमक्खी हैं उन्होंने ज़्यादातर जो जंगलियों को रिप्लेस कर दिया है, वो ज़्यादातर जगह पर छा गई हैं। तो सबसे ज़्यादा जो जहरीली मधुमक्खी है वो अफ्रीका में पाई जाती है, वो एपिस स्कूटेला है, जो वहाँ जाई जाती है। उसकी जहर इतना जहरीला है कि वो उसके खाने से कभी कभी आदमी की मृत्यु भी हो जाती है। तो वो ज़्यादातर अफ्रीकन एरिया में पाई जाती है, अपने हिंदुस्तान में वो तरह की वैरायटी नहीं पाई जाती है। तो सबसे पहले अपन जानते हैं मधुमक्खी के बारे में, मधुमक्खी का जो छत्ता है उसमें किस तरह की मक्खियाँ होती हैं। तो सबसे पहले है रानी मक्खी, जिसको अपन क्वीन कहते हैं। तो क्वीन जो मधुमक्खी है वो अंडे देती है और उसी से सब बच्चे उसके पैदा होते हैं। और एक मधुमक्खी, रानी मधुमक्खी, एक दिन में 2000 अंडे भी दे सकती है। और जैसे उस वो अंडे में से मक्खी निकलेगी तो दूसरी मधुमक्खियाँ हैं जो जिसको नर्स हनी भी कहते हैं, उसको रॉयल जेली नाम का सबस्टेंस खिलाती हैं, तो फिर उससे वो मधुमक्खी 16 दिन में बनके तैयार हो जाती है। ऐसे करके छत्ते में केवल एक ही रानी मक्खी होती है। दूसरी तरह की मक्खी होती हैं नर मक्खी, जिसको ड्रोन कहते हैं। आजकल अपन नाम सुनते हैं बहुत ड्रोन, जैसे फोटोग्राफी में ड्रोन है, मिलिट्री के एप्लीकेशन में ड्रोन है, वो सब देसी से लिया गया है। ये नर मक्खी हैं, एक छत्ता के अंदर 400 से 500 नर मधुमक्खी होती हैं। इन नर मधुमक्खियों का काम क्वीन से मेट करना है और क्वीन से बच्चे पैदा करना है। जो नर मक्खी है उसके अंदर डंक नहीं होता है, तो वो आदमियों को नहीं खाती है। फिर उसके तरह के दूसरे तरह की तीसरे तरह की जो मधुमक्खी है वो है, जो सबसे इम्पोर्टेंट है, वर्कर बी, या अपन कहते हैं श्रमिक मक्खी है। इसी का काम है छत्ता के आसपास। इसकी संख्या एक छत्ता में 2000 से लेकर 80000 तक होती है। ये ही फूलों से रस कलेक्ट करती है, यही बैग्स बनाती है और यही रानी को पालती है और यही डिफेंस की फौज तैयार करती है। यही फौज है, जैसे ही मधुमक्खी किसी पर आक्रमण करती है तो यही मधुमक्खियाँ आदमी पे आक्रमण कर देती हैं, जब उनको लगता है कि छत्ता को कोई खतरा पहुंचाने वाला है। आमतौर पे मधुमक्खियाँ खाती नहीं है, केवल चीरने पे ही खाती हैं। क्योंकि क्या चक्कर है कि जो मधुमक्खी है उस जो डंक है वो उसके पेट से चिपका होता है, जैसे वो आदमी को खाती है अगर उसका डंक टूट गया तो वो कुछ ही देर में मर जाएगी। इसलिए मधुमक्खी ज़्यादातर चिड़ने पर ही खाती हैं। मधुमक्खी के बिहेवियर को जान जाते हैं तो वही उसमें जो मधुमक्खी पालन है उसमें काम आता है और अपने सब्जेक्ट को समझने में भी काम आएगा। इस तरह की तीन मक्खी हो गई हैं, रानी मक्खी, नर मक्खी और वर्कर मक्खी। वर्कर मक्खी है वही छत्ता बनाती है, वही उसमें बैग्स बनाती है, वही उसमें नेक्टर पैदा करती है, शहद बनाती है। तो ऐसे करके जो मेन काम है वो इसका होता है। अब अपन ने जान लिया जो रानी मक्खी में जो डंक होता है
वो आदमी को नहीं काटती है, क्योंकि वो दूसरी रानी मक्खी है, उनसे लड़ने में काम आता है। नर है उसमें डंक होता ही नहीं है, और नंबर तीन बरकर मक्खी है उसमें जहर होता है। तो उसके जहर को अपन जानते हैं कि उसमें कैसा जहर है। तो उसके जो जहर है उसमें मेलिटिनिन नाम का सबिस्टेंस है, और एपोमीन है, और मास सेल डिस्टेबलाइजिंग एजेंट है, डिस्टेबलाइजिंग पेप्टाइड है, जो इस तीन तरह की चीज़ उसमें होती हैं जो मक्खी के जहर को, डंग को जहरीला बनाती हैं। तो एक मधुमक्खी काटने पर आदमी के अंदर 150 से 180 माइक्रोग्राम अपने बीनम को या जहर को आदमी के अंदर पहुंचाती है, और आदमी को मारने के लिए करीब 300 मिलीग्राम उसके जहर की ज़रूरत पहुँची है। वो तो कितनी पहुँचाती है एक डंक में, 180 माइक्रोग्राम, और मारने की ज़रूरत है मिलीग्राम में, तो इससे उसकी मात्रा बहुत ज़्यादा हो। तो ऐसा देखा गया है कि 1000 से अगर 1500 मक्खी खा जाएं एक आदमी को एक साथ ही, तो उसके मरने के चांस बढ़ जाते हैं, पर ऐसा बहुत कम होता है कि इतनी सारी मक्खियाँ आदमी को एक साथ खा जाए। या जैसे अफ्रीकन मक्खी है जो बहुत विषैली है, उसमें खा जाता है तो उसके फिर मरने के चांसेस हो जाते हैं। तो फिर अपन इसके आगे में ये जानते हैं जो मक्खी है क्या फ़ायदा भी पहुंचा सकती है, उसमें जहर तो है ही, आदमी के लिए उससे मधुमक्खी से क्या फ़ायदा है। तो सबसे पहला है शहद, दूसरा है बैक्स या उसका मोम, और तीसरा है परागण। तो ये आदमी के लिए बहुत ज़्यादा बेनिफिशियल कीट हो गया है, बहुत बेनिफिशियल इंसेक्ट है। इससे आजकल आप देख रहे हैं कि बहुत सारा जो हनी कीपिंग सिस्टम चल रहा है, मधुमक्खी पालन जो काम चल रहा है, वो इसी की वजह से चल रहा है, मधुमक्खी के मोम और छत्ते की वजह से। और परागण तो एक बहुत इम्पोर्टेंट चीज़ है जो एग्रीकल्चर में बहुत ज़्यादा यूज़फुल है। जैसे सरसों है या कोई भी खेती है, चाहे लीची हो चाहे सेब हो, अगर मधुमक्खी नहीं होंगी तो उसमें फल नहीं लग पाएंगे, क्योंकि उसमें परागण या पॉलिनेशन हो ही नहीं पाएगा। तो मनुष्य के लिए बहुत यूज़फुल हो गई है। लेकिन अब अपन जानते हैं कि जो मधुमक्खी का जहर है वो आदमी के लिए क्या नुकसान पहुँचाता है, कैसे नुकसान पहुँचाता है और क्या पहुँचाता है। सबसे पहले जहाँ पर डंक लगाएगी मधुमक्खी, जहाँ पर डंक लगाएगी तो वहाँ लोकल इन्फ्लेमेटरी रिएक्शन होगा, वहीं उसी जगह पर रिएक्शन हो जाएगा, लोकल इन्फ्लेमेटरी रिएक्शन होगा। तो उसमें क्या होगा, वहाँ पे लोकल जगह पे जैसे हाथ में मान लो खाया तो वहीं पे दर्द हो जाएगा, सूजन हो जाएगी, इडिमा हो जाएगा और इचिंग हो जाएगी, उसमें खुजली हो जाएगी उसी जगह पे। ये सबसे माइल्ड किस्म का है, जैसे मान लो एक मक्खी ने खा लिया तो इस तरह के लक्षण उसमें आ जाते हैं। ये धीरे धीरे करके एक दो घंटे में खुद ही सबसाइड हो जाते हैं। ज़्यादा से ज़्यादा कोई टॉपिकल स्टीरॉयड क्रीम उस पर लगा सकते हैं या बर्फ़ लगा सकते हैं, वो धीरे धीरे करके कुछ ही देर में एक घंटे दो घंटे में वो सबसाइड हो जाता है। नंबर दूसरी परेशानी है एलर्जिक मैनिफेस्टेशन, उसका एलर्जिक इफ़ेक्ट आ जाए। तो एलर्जिक जो इफ़ेक्ट आता है उसके अंदर खुजली होना, शरीर पे खुजली हो जाना, शरीर पे चकत्ते हो जाना, ऐसे तरह की परेशानी एलर्जिक रिएक्शन में आती है। नंबर तीसरा है इनफर्टिलिटी शॉक, किसी को जैसे कोई आदमी उसके जो बीनम के लिए जहर के लिए एलर्जिक है तो उससे फटाफट वो शॉक की कंडीशन में पहुंच जाता है। तो शॉक कंडीशन में क्या होगा कि उसकी गला घुटने लग जाएगा तो ब्रोंको स्पाज़ में पहुंच जाता है, उसको कहते हैं अपन एनाफाइलेटिक शॉक। और फिर उसको धीरे धीरे बेहोशी आ जाएगी, बीपुन डाउन होने लगेगा। जैसे कोई दवाई से रिएक्शन हो जाता है एनाफाइलेटिक शॉक हो जाता है, तो वैसे ही मधुमक्खी के जहर से भी एनाफाइलेटिक शॉक आ जाता है। और लास्ट में है सिस्टेमिक टॉक्सिक इफेक्ट। तो सिस्टेमिक टॉक्सिक इफेक्ट है मतलब पूरे शरीर के अंदर जहर का व्यापना, वो ज़्यादातर बहुत जहरीली मक्खियाँ उनके साथ होता है। उसमें क्या होता है, उल्टी होना, दस्त होना, चक्कर आना, और बहुत ज़्यादा हो तो अटैक होना या किडनी फेल हो जाना, जैसे सांप के और बिच्छू के जहरों में जाना था वैसा ही टॉक्सिक इफेक्ट आ जाता है, जो बहुत ज़्यादा जहरीली मक्खियों या उसको बहुत सारी एक साथ मक्खी अगर खा जाती हैं। तो अपन ट्रीटमेंट में क्या हो सकता है, जैसे मालूम मधुमक्खी है तो खा जाए तो उसमें क्या है कि जैसे लोकल इन्फ्लेमेटरी रिएक्शन होती है अपन ने बताया था, तो उसमें लोकल स्टीरॉयड क्रीम है वो लगा सकते हैं और बर्फ़ लगा सकते हैं। फिर उसके बाद में है जैसे मान लो जैसे एनाफाइलेक्टिक शॉक में पहुंच जाता है तो फिर उसके लिए स्टीरॉयड की ज़रूरत है। एंटी हिस्टामिनिक दवाई है जिसमें H1 H2 रिसेप्टर हैं, एंटागोनिस्ट हैं उसके, जो उसको रोकते हैं, उसको रिसेप्टर ब्लॉकर हैं, उनको यूज़ कर सकते हैं एंटी हिस्टामिनिक से। और फिर उसके बाद में है एड्रेनलिन का जो अल्फा बीटा एगोनिस्ट है वो उस पर बहुत, जो एनाफिलेक्टिक शॉक है उसको
बंद कर देता है, उसको ख़त्म कर देता है। तो ऐसे तरह का इस तरह का ट्रीटमेंट है। और फिर अपन देखते हैं कि मान लो मधुमक्खी से कैसे बचा जाए, मधुमक्खी नहीं खाएं, तो उसके लिए ख़ास तौर से जो मधुमक्खी पालन का काम कर रहे हैं या मान लो बाई चांस उसको छत्ता को तोड़ने जाते हैं, तो उन लोगों को क्या करना चाहिए? उनको सबसे पहले तो सिर को उसको कवर करना चाहिए, क्योंकि सबसे पहले वो अटैक करेगी तो सिर को ही खाएगी, है ना। तो मुंह को, सिर को उसको अच्छी तरह से कवर कर लें, हाथों में ग्लव्स पहन लें, दस्ताने पहन लें, और पूरे कपड़े को कपड़े से ढक लें शरीर को, और फिर पैरों में जूते पहन सकते हैं। खुले हिस्सा में ही खा सकती है, बाकी जगह तो खाएगी नहीं। फिर उसके बाद में है बहुत ज़्यादा जो भी कीपिंग का काम करते हैं तो उसके लिए वो स्मोक का इस्तेमाल करते हैं, धुएं का इस्तेमाल करते हैं, तो वो उसका जो प्रीबॉर्न रिलीज करती हैं वो, तो वो उनकी एग्रेसिवनेस उससे कम हो जाती है, तो धुआं का उपयोग कर सकते हैं। तो आज के अपने एपिसोड में जाना कि मधुमक्खी का जो डंक है वो कितना जहरीला है, या आदमी के लिए घातक है या नहीं है। तो ज़्यादातर ये माइल्ड होता है, लेकिन परेशानी किसी किसी को एंट्री मतलब एलर्जी हो उसके बीनम से तो उसको परेशानी आ सकती है। थैंक यू वेरी मच आज के चैनल को आगे बढ़ाने के लिए, इस चैनल को बढ़ाने के लिए। लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। थैंक यू वेरी मच।